नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, पीठ पीछे कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर 2022 से आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। समय रहते सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों बात बहुत गंभीर है, समय बहुत कम है। यदि फूक फूक कर आगे नहीं बढ़ोगे तो बहुत बड़े दलदल में फंस जाओगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखते रहना। सबसे पहले आइए ग्रह गोचर पर नजर डाल लेते हैं। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, श्रावण नक्षत्र है, सुकर्मा योग है, सूर्य इस दिन कन्या राशि में है एवं चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस अद्भुत ग्रह गोचर का प्रभाव आपके व्यापार पर, नौकरी पर, निजी जीवन पर, घर संसार पर, विद्यार्थियों पर, बेरोजगारों पर एवं आपके स्वास्थ्य पर कैसा पड़ेगा? कौन कौन सी शुभ एवं कौन कौन सी अशुभ घटनाएं दोस्तों आने वाले इन 24 घंटों में आपके जीवन में घटने वाली है? क्या क्या खेल शुरू होगा, क्या क्या खेल समाप्त होगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझा दूंगा। बस अंत तक वीडियो में बने रहना। सर्वप्रथम माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, व्यर्थ की चिंता को भूलकर आने वाले इन 24 घंटों में आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना होगा। यह समय जो है दोस्तों आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इस समय में आपका जो ग्रह गोचर है वह आपके पक्ष में है एवं इस ग्रह गोचर का जो साथ आपको मिल रहा है उससे दोस्तों आपके जीवन में तरक्की का एक नया मार्ग खुल रहा है। ऐसे में दोस्तों इस समय का सदुपयोग करना चाहिए एवं जितने भी काम आपके अधूरे पड़े हैं उन कामों को पूरा करने का अगर आप प्रयास आने वाले इन 24 घंटों में करोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों मन चाहे फलों की आपको प्राप्ति हो सकती है। कामकाज की बात करें तो व्यापार से जुड़े जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको जबरदस्त आर्थिक फायदा हो सकता है। साथ ही आप अपना कामकाज आगे बढ़ाने की सोच रहे थे तो दोस्तों दिन आपके लिए शुभ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों पर काम का बोझ अधिक रहने वाला है। ऐसे में दोस्तों आप इन 24 घंटों में पारिवारिक जीवन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते पति पत्नी में अनबन हो सकती है, छोटी मोटी बात पर विवाद हो सकता है और परिवार वालों के साथ आपके कुछ छोटे मोटे झगड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको अपने क्रोध पर और खुद पर काबू रखना होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में तालमेल बेहतर करने का प्रयास आपको करना होगा। बेवजह शक करने की आपकी जो आदत है, इस आदत के कारण आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों सेहत के मामले में दिन बढ़िया है, परंतु एक बात ध्यान रखना, समस्या आने पर आपको घबराने की जगह शांत दिमाग से काम लेने की सलाह दी जाती है। यदि दोस्तों चुनौतियों का सामना डट कर करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जो डर गया वह घर गया। इसलिए चुनौती को देखकर आपको डरना नहीं है। गुरुदेव की एक बात हमेशा याद रखना कि दोस्तों अगर खेल को बैठे बैठे देखते रहोगे तो खेल का हिस्सा नहीं बन पाओगे, ना ही जीत पाओगे ना ही हार पाओगे। आपको खेल को देखना नहीं है, खेल को खेलना है, हिस्सा लेना है, भाग लेना है। जिंदगी के इस खेल में दोस्तों अगर आपने भाग लिया तो या तो जीतोगे या सीखोगे, इसलिए डर कर बैठ कर केवल देखे नहीं। साथ ही
इन 24 घंटों में व्यापार से जुड़े जातकों को पैसों के मामलों में संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। यदि आप किसी नए व्यापार में अपनी किस्मत अजमाने की सोच रहे हैं तो आपकी यह सोच बहुत अच्छी है। आपको इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि समय आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो ऐसे में आपके द्वारा शुरू किया गया व्यापार भी चल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को बता दें, दफ्तर में लंबे समय से आपके जो काम अटके पड़े हैं, आपके जो काम रुके पड़े हैं, उन कामों को आपको आने वाले इन 24 घंटों में जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पेंडिंग कार्यों पर जरा ध्यान दे लीजिए क्योंकि अगर यह काम ऐसे ही छूट गए तो बहुत ज्यादा पछतावा आपको बाद में होने लगेगा। यदि आपसे दोस्तों इस दिन कोई गलती हो जाती है, कोई छोटी मोटी लापरवाही हो जाती है, तो जल्द से जल्द समय रहते अपनी गलती की क्षमा आपको मांग लेनी है। एवं यदि हाल ही में आपने किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया है तो अब खुश हो जाइए, वहां से कोई बहुत ही अच्छी खबर आने के शुभ आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दोस्तों बस स्वयं को सकारात्मक रखना है। एक बात का ध्यान रखना कि अगर नकारात्मक विचार आपके अंदर जगह बना गए, आपके अंदर प्रवेश कर गए, तो आप जिंदगी में चाह कर भी कभी सकारात्मक चीजों को नहीं सोच पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों नकारात्मक विचारों से एवं नकारात्मक विचार वाले नकारात्मक लोगों से आपको दूरियां बनाकर चलना होगा। क्योंकि दोस्तों गुरुदेव की एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक कुएं का जो पानी होता है वह पूरे खेत में जाता है, सबको बराबर मिलता है, एक समान मिलता है। उस पानी की गुणवत्ता किसी के लिए कम ज्यादा नहीं होती, परंतु फिर भी खेत में कुछ फल मीठे आते हैं तो कुछ फल कड़वे आते हैं और कुछ बिल्कुल ही खराब आते हैं। इसीलिए दोस्तों मनुष्य का जीवन भी एक फल है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए आपको हर जगह खुशियों का बीज बोना है, सकारात्मकता का बीज बोना है, क्योंकि अगर आप नकारात्मक सोचोगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपके साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा, सब कुछ गलत होगा, चाह कर भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, यह बात ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, जो भी काम आप करोगे, जिस भी काम में आप अपनी किस्मत अजमाओगे या फिर जिस भी काम को करने का प्रयास करोगे, आपके हर एक काम में आपको सफलता मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत इसी प्रकार खाली नहीं जाएगी। सच्चे मन से आपके द्वारा किया गया प्रयास आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएगा। बस दोस्तों एक बात याद रखना कि आपको किसी की देखा देखी नहीं करनी है, किसी के कहने में नहीं चलना है, लोगों की बातों में भूल कर भी ना आए। जी हाँ दोस्तों, लोग आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, आपका मार्ग भटकाने का बदलने की कोशिश करेंगे, परंतु आपको यह गलती नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, लोगों की बातों में आकर, लोगों के कहने में आकर अगर निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया, तो केवल पछतावा ही पछतावा होगा। इसलिए काम केवल वही करें जो आपको सही लगे, जो आपको उचित लगे। तो दोस्तों यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो कि थी आपके आने वाले दिन को लेकर। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय दुर्गा माँ अवश्य लिखें। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों आपको भी रोजाना प्रतिदिन हमारी ओर से ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।